हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। फ्रेंड्स, टाइटल देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो है वेजाइनल ड्राइनेस के बारे में। फीमेल्स में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लाइफ के किसी न किसी फेज में उनको जरूर फेस करनी पड़ती है, या तो मेनोपॉज के दौरान, या फिर प्रेगनेंसी के बाद, या कई बार बॉडी में जब हार्मोनल इम्बेलेंस होता है तब भी वो वेजाइनल ड्राइनेस को फेस करती है। वेजाइनल ड्राइनेस के कारण महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इस ड्राइनेस की वजह से हमेशा उन्हें वजाइना में इरिटेशन फील होती है, इचिंग फील होती है, और इस वजह से वो हमेशा अनकंफर्टेबल फील करती हैं। साथ ही उन्हें फिजिकल रिलेशंस बनाते वक्त भी बहुत पेन होता है, जिसकी वजह से वो इस चीज से दूर भागने लगती हैं, और ये उनके पर्सनल रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है। अल्टीमेटली इस सब कारणों की वजह से वो फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी परेशान रहने लगती हैं। तो ये छोटी सी लगने वाली प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान करती है, और महिलाएं अक्सर शर्म और संकोच के कारण इसका हल किसी से पूछ भी नहीं पाती हैं, ना ही किसी से अपनी परेशानी कह पाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए इसी का एक आसान सा हल मैं लेकर आई हूँ। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट जरूर करिएगा, और शेयर तो जरूर करिएगा, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, वजाइनल ड्राइनेस और पेनफुल सेक्स, इसके 5 मेन कारण है। नंबर 1 है मेनोपॉज। मेनोपॉज के दौरान बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो कम होने लगता है, और इसकी वजह से वजाइना में जो नेचुरल लुब्रिकेंट होता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, और महिलाओं को ये वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नंबर 2 है पोस्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद भी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नंबर 3, अगर आप बहुत लंबे टाइम से एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज कर रही हैं, या फिर आपको डायबिटीज है, तब भी आपको वजाइनल ड्राइनेस फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 4, पास्ट के किसी अनप्लेजेंट सेक्सुअल एक्सपीरियंस के कारण भी जब आप रिलेशंस बनाते हैं तो आपकी वजाइनल मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स नहीं होती, और इसके लिए वजह से आपको उस वक्त पेन महसूस होता है। नंबर 5 है पुअर बॉडी इमेज और लो कॉन्फिडेंस। कई बार महिलाएं अपने लुक्स को लेकर, अपनी बॉडी, अपने फिगर को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होती हैं, उन्हें डाउट होता है, अपने दिमाग में एक इमेज बना लेती हैं कि अरे मैं इतनी अच्छी नहीं दिख रही, या मैं मोटी हो गई हूँ, या ऐसी हूँ या वैसी हूँ, तो इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और इसकी वजह से भी उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इसका एक आसान सोल्यूशन है कि आप कोई लुब्रिकेंट यूज करें, पर ध्यान रखिए कि ये लुब्रिकेंट हमेशा वाटर बेस्ड होना चाहिए। लुब्रिकेंट यूज करने से सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाता है, और आपको फिजिकल रिलेशंस बनाते वक्त किसी तरह का कोई पेन महसूस नहीं होगा। अगर आप इसके लिए एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल या कोल्ड क्रीम जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इसे बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि प्राइवेट पार्ट एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करने से आपको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो इसके लिए एक सेफ और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है आज मेरे पास, ये है एक्सपोज्ड वीवाई जेली। ये एक एलो बेस्ड लुब्रिकेंट है, और इसे मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल रिलेशंस बनाते समय पेन की या ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। ये इंस्टेंटली आपकी ड्राइनेस खत्म करती है, आपको एक स्मूथनेस प्रोवाइड करती है वजाइना में, जिसकी वजह से आपको कोई पेन नहीं होता है। और अगर आपको बहुत ज्यादा वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो इसको प्रतिदिन एक बार जरूर इस्तेमाल करें। आप कुछ समय लगातार इस्तेमाल करें, आपकी वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये कलरलेस, अल्कोहल फ्री, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसके कोई नॉन साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये पैराबेन फ्री है और डर्मा टेस्टेड है। इसकी एक माइल्ड फ्रेग्रेंस है और इसमें कोई स्टिकीनेस नहीं है। दोस्तों, प्राइवेट पार्ट पे जब कुछ अप्लाई करना हो तो हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, हमें लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, जिससे आप श्योर हो जाएंगे कि ये सेफ है यूज करने के लिए। इसमें यूज किया गया है एलोवेरा, नीम, तुलसी, गोटू काला, गुलाब, माजोफल, टी ट्री और हल्दी जैसी चीजों का, जिनकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये यूज करने के लिए बिल्कुल सेफ है, आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसका सफिशियंट अमाउंट अपनी फिंगर टिप पे लेना है और वजाइना में अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, और दैट्स इट। ये इजी टू यूज होने के साथ साथ बहुत ही अफोर्डेबल है, तो मैं इसको परचेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे रही हूँ। आप उन पे क्लिक करके अपने लिए फटाफट से परचेस कर सकते हैं, और इस प्रॉब्लम से जो आप घुटघुट के जी रही थी, फटाफट से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप दोस्तों, आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।